सभी दोस्तों को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। आज का वीडियो जो है जेरूसलेम का है, जहाँ मैं दे गार्डन टॉम बोलते हैं, जहाँ जीसस क्राइस्ट को दफना गया था। तो इसका नाम जो है कुफरी है, कलवरी और गोलाघोटा, ये अलग अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग एक ही है। जहाँ वहाँ लास्ट ये करने का बाद स्कूल बोलता है हड्डी को ये करके उठाया जाता है। तो जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसिफाइड होने का बाद यही में रखा गया था। तो मैं आज 2017 का तौर का फोटो वीडियो आप लोग को दिखा रही है। इसका बारे में जिक्र की गई है मार्क का 15:22, 29:16, 1:26 और जॉन चैप्टर में भी बहुत सारा बातें किया करता है होली बाइबल में। तो आप लोग भी देखिए तो कैसे ये सब हिस्ट्रिकल प्लेस है। तो जीसस क्राइस्ट को यही में रखा गया था, तो यही से वो जो है रिजरेक्शन हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट वहाँ लाश सरा सर के नहीं रहा था, लेकिन वहाँ से जिंदा हो गया था। उसका हड्डी पद्दी नहीं मिला है, तो उसको दी गार्डन ऑफ टॉम बोलता है, जीसस को रखने वाला जगह। तो इसमें मैं बहुत अच्छे से विजिट की है, आप लोग भी फोटो वीडियो का जरिए थोड़ा देखिए और लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम जो बॉइस वाला डाल दिया, तो उसमें आपको अच्छा से दिखा के इसका बारे में बताएगा, तो आप काफ़ी समझ में आ जाएगी हिस्ट्री जो होली बाइबल में क्या क्या करके रखा है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग का जो है आत्मा का उन्नति हो जाता, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और परमेश्वर और इंसान का जो है रिलेशन बहुत मजबूत से हम लोग जो है बनाए रखते हैं। तो आप लोग ये वीडियो में भी देख ही रहा है, ये जो है जहाँ जीसस को रखा था, तो उसी अंदर तक मैं जाके फोटो खींचा हुआ है। तो आप लोग देखिए, मैं तो फिजिकली देख के आ गई हूँ, और आप लोग भी समय रहते ही टूर प्लान कीजिएगा मेरी जैसे, तो फिर मैं आप लोग का भी देख सकती है ना। ये परिवार वाला का ये लाश रखने के लिए बनाया था, लेकिन जीसस क्राइस्ट को यहीं में रखा गया था। तो इस चीज़ को मैं हाथ छू के देखा है, तो उसको अंदर में जाने के लिए लाइन लाइन करा रहता है। मैं तो पहले जाके आ चुकी है, इसलिए बाहर में फोटो बना रही है। वीडियो फोटो तो अलग से है, अभी वीडियो है। And down there, I'm going to give you the final instructions to see the tomb. बहुत सुंदर होता है वो गार्डन जो ना, आप लोग भी जरूर जाइएगा, बहुत मजा है। जिस पार्टी में मैं ग्रुप में ज्वाइन करके गई थी, उस मेंबर पार्टी जो है इतना अच्छा नहीं था और थी और थोड़ा पिकुलियर वाला बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस। यह है गुलगुता नामक जगह जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। अब हम यीशु के कब्र के अंदर हैं और आप देख सकते हैं यीशु को यहां रखा गया था। या बेगिजे की कब्र की पहचान यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान के स्थान के रूप में की जाती है। इससे पहले कि हम बेगिजे की कब्र को देखें,
ये है गुलगुता जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। मरकुस 15 के 22 के अनुसार वे यीशु को गुलगुता नामक स्थान पर ले आए जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। गुलगुता शब्द मूल रूप से अरामिक भाषा से आया है और इसका अर्थ खोपड़ी है। अंग्रेजी में लोग इसे कलवरी कहते हैं। कलवरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ भी खोपड़ी होता है। जब हम गुलगुता कलवरी या खोपड़ी के जगह के बारे में कहते हैं तो हमारा मतलब वास्तव में एक ही जगह से है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के चित्र में यह स्थान खोपड़ी जैसा प्रतीत होता था। चित्र में जो नाक की प्रकृति है वो आज दिखाई नहीं देता क्योंकि ये 2015 में टूटकर गिर गया था। स्थानीय यहूदी परंपरा का कहना है कि इस स्थल को प्राणदंड के लिए एक आधिकारिक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्रारंभिक शताब्दी के ईसाइयों का मानना था कि ईसाइयों में सबसे पहले शहीद हुए स्तिफानुस को दमास्कस गेट के बाहर कहीं पथराव करके मार दिया गया था, शायद इसी स्थान पर। रोमी अधिकारियों ने भी इस स्थल का उपयोग प्राणदंड के लिए किया था। यूहन्ना 19 का 19 और 20 और इब्रानियों 13 का 12 इन वचनों के अनुसार यीशु को शहर के बाहर सूली पर चढ़ाया गया था। यह स्थान बाइबल के वचनों के अनुरूप है। बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु को पहाड़ के ऊपर सूली पर चढ़ाया गया था। यह स्थान यरूशलेम शहर की उत्तरी दीवार के पास स्थित है। मरकुस 15 का 19 से 32 वचन के अनुसार जो लोग उस मार्ग से जा रहे थे वे उसका निंदा कर रहे थे। ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं वो उसी मार्ग में बनाया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु को एक बगीचे के पास सूली पर चढ़ाया गया था। प्रियो, ये वो जगह है जहां 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया था। आइए अब हम यीशु की कब्र की ओर चले। यूहन्ना यह भी बताते हैं कि जहां यीशु को दफनाया गया था वहां एक बगीचा था। यह स्थान प्राचीन काल में एक बगीचा था। यह गस्समिनी जैसा कृषि उद्यान हो सकता था। 1877 में जब आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे तब उन्हें 10 लाख लीटर पानी की क्षमता वाला एक प्राचीन कुंड मिला। उन्हें बगीचा में एक वाइन प्रेस भी मिला। इस कब्र की खोज 1867 में हुई थी। बाइबल के अनुसार यीशु को एक अमीर प्रभावशाली व्यक्ति अरिमथिया के यूसुफ की कब्र में दफनाया गया था जिसने रोमी गवर्नर पोंटियस पिलातो से मसीह के शरीर को दफनाने की अनुमति प्राप्त की थी। कब्र के ठीक सामने एक ट्रक को आप देख सकते हैं। ये ट्रक पत्थर को लुढ़काने के लिए बनाया गया था जिससे कब्र का प्रवेश द्वार बंद किया जा सकता था। अब आप कब्र के ऑपोजिट में एक पत्थर देख सकते हैं। इसी प्रकार के पत्थर से कब्र के प्रवेश द्वार को बंद किया गया था। परंपरागत रूप से कुछ वर्षों के लिए शरीर को संग्रहित करने के बाद हड्डियों को एक बक्से में इकट्ठा किया जाता था। मॉडल के रूप में दीवार पर उस प्रकार के बक्सों को हम देख सकते हैं। प्रवेश द्वार की सही ऊंचाई आज की तुलना में केवल आधी थी। हो सकता है कि क्रूसेडर्स के द्वारा इसकी ऊंचाई बढ़ाया गया था जब उन्होंने इस स्थल में सुधार किया था। अंदर हम देख सकते हैं कि कब्र दो छोटे कमरों में विभाजित है। पहले कमरे को तैयारी कक्ष कहा जाता है जहां वे मृत शरीर को दफनाने के लिए तैयार करते हैं। दाहिनी ओर हम दफन कक्ष देख सकते हैं जहां हम मृत शरीर को हमेशा के लिए रख देते हैं। यहां हम तीन दफन स्थान देख सकते हैं जिसका अर्थ है कि ये एक पारिवारिक कब्र था। मरकुस 16 का 1-6 वचन में हम पढ़ते हैं, जब शब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि तो पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है। यहाँ नहीं, देखो यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। प्रियो, ये कब्र आज भी खाली है क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है और वह आज भी जीवित है। उसने मृत्यु से जय पाया है क्योंकि वह परमेश्वर है।